रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसके हर एक नए अध्याय में एक नई कहानी से पर्दा हटता जा रहा है जो पिछले वाले से भी ज्यादा रोमांचक होती है। जहां बात होती है कैसे एक कॉमेडियन बड़े ही फिल्मी तरीके से यूक्रेन का प्रेसिडेंट बन जाता है, जहां उसके एक टीवी शो ने उसे रातों रात इतना पॉपुलर बना दिया कि यूक्रेन के नागरिक उसमें अपना नया कल देखने लगे, जिसे आज सोशल मीडिया पे लोग सुपर हीरो के खिताब से नवाज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उसके गर्दन को धड़ से अलग करने के लिए 400 प्राइवेट किलर आज यूक्रेन में घूम रहे हैं, जिन्हें वैगनर ग्रुप्स कहा जाता है। इसके बाद भी जब अमेरिका ने उसे देश से सुरक्षित निकालने का प्रस्ताव दिया तो उसने उन्हें ये कह के बात का जवाब दिया कि उसे अपने देश के वजूद के लिए इस जंग को लड़ना है और भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपको मेरी और यूक्रेन की मदद करनी है तो आप हमें इस जंग को लड़ने के लिए हथियार दें। उनके इसी कमिटमेंट और ना झुकने वाले एटीट्यूड ने उनकी एक ऐसे बहादुर की तस्वीर बनाई जिससे पूरे यूक्रेन के साथ हर उस इंसान के दिल में उनके जज्बे के लिए इज्जत पैदा हुई जो उन्हें कभी जानता भी नहीं था। इसलिए आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के कई स्पोर्ट्स पर्सन एंड मॉडल्स आज हाथों में हथियार लिए रशियन ट्रूप्स के अगेंस्ट देश की हिफाजत के लिए जुट गए हैं। इन सब के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की कहानी किसी आम इंसान की नहीं है जो रशिया जैसे सुपर पावर के सामने भी अपने घुटने नहीं टेक रहा और जिनके एक निवेदन पे पूरा देश उनके साथ इस युद्ध को लड़ने और उसमें मर मिटने को तैयार है। This video is for educational purposes and all the information related to this video is either taken from some book, internet or from some documentary. Hello viewers, मेरा नाम है आसिफ and welcome to my channel Storyteller Hussain. साल 2019 यूक्रेन में चुनाव का माहौल था और यूक्रेन अपने मौजूदा प्रेसिडेंट पेट्रो पोरोशेंको से कुछ ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि सरकार पे हद से ज्यादा करप्शन के दाग लगे हुए थे। तभी इन सब के बीच एक नाम बड़ा मशहूर हो रहा था, वैसिल पेट्रोविच ऑफ सर्वेंट ऑफ द पीपल शो। आखिर ये वैसिल पेट्रोविच था कौन? वैसिल पेट्रोविच एक कैरेक्टर था सर्वेंट ऑफ द पीपल शो का, जो साल 2015 से 1+1 टीवी चैनल पे आया करता था, जिसे खुद मेर ज़ेलेंस्की ने प्ले किया था, जिसके आदर्श लोगों के लाइफ का रोल मॉडल बन चुका था और यूक्रेन के लोग एक वैसे ही प्रेसिडेंट यूक्रेन के लिए चाहते थे क्योंकि पिछली 2014 की विक्टर यानुकोविच की सरकार पे आरोप लगाए जाते थे कि वो रशिया के इशारों पे चलती है और लोगों के काफी विरोध के बाद वो सरकार गिर गई और फिर री इलेक्शन के बाद पेट्रो पोरोशेंको की सरकार को चुना गया, मगर वो भी उनके उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी। तभी सर्वेंट ऑफ द पीपल शो के टीचर वैसिल पेट्रोविच में लोगों को अपने उम्मीदों का प्रेसिडेंट दिखा जो करप्शन के खिलाफ लड़ता है और आखिरकार यूक्रेन का प्रेसिडेंट बन जाता है। मगर ये सब महज एक टीवी शो की कहानी थी, मगर इसे एक चीज ये हुई कि ज़ेलेंस्की अपने इस कैरेक्टर से बहुत फेमस हो गए और लोगों ने उन्हें इतना पसंद किया कि वो उन्हें यूक्रेन के प्रेसिडेंट बनाने की इच्छा जाहिर करने लगे। और इस पे 1+1 मीडिया ग्रुप के ओनर इहोर कोलोम्स्की, जो कि यूक्रेन के रिचेस्ट बिलियनर में गिने जाते थे, उनका भी यही सुझाव था कि ज़ेलेंस्की को इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए और इलेक्शन में फंडिंग की चिंता वो ना करे। लोगों के अटूट विश्वास और इहोर कोलोम्स्की के सपोर्ट पे ज़ेलेंस्की पॉलिटिक्स में हाथ आजमाने उतर जाते हैं और मार्च 2018 में कॉर्टल 95 के टीम ने अपने पॉपुलर शो सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम से एक पार्टी का गठन किया और इलेक्शन के 6 महीने पहले से ही ओपिनियन पोल में ज़ेलेंस्की का नाम झंडे गाड़ रहा था, जबकि अब तक उन्होंने अपना नाम भी प्रेसिडेंट पद के लिए घोषित नहीं किया था। आप इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इंसान अपने देश के लोगों का कितना चाहता होगा। इसके बाद कॉर्टल 95 के न्यू ईयर इफ शो के दौरान ही ज़ेलेंस्की ने अपने कैंडिडेसी का ऐलान किया और इस अनाउंसमेंट के बाद वो लोगों के फर्स्ट चॉइस बन गए और उनके टीम ने उनकी इलेक्शन कैंपेन को मेनस्ट्रीम मीडिया के विपरीत एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लेते हुए सोशल मीडिया और यूट्यूब पे चलाना बेहतर समझा, जिससे वो यूथ तक बड़े आसानी से पहुंच गए। अप्रैल 21, 2019 ज़ेलेंस्की यूक्रेन के फर्स्ट ज्यूइश प्रेसिडेंट के तौर पे पूरी बहुमत के साथ सामने आए और जिस कैरेक्टर को वो अब तक रियल लाइफ में जी रहे थे वो अब रियल लाइफ का हिस्सा बन चुका था और जिस पे पूरी यूक्रेन की आस टिकी हुई थी। उन्होंने अपना प्रेसिडेंट पद संभालते ही कुछ कड़े स्टेप्स लिए। 11 जून 2019 ज़ेलेंस्की ने 15 यूक्रेन प्रोविंसेस हेड को डिसमिस किया, फिर 5 प्रोविंसेस के सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को, और इसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट से दरखास्त की कि यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर
लेफ्टिनेंट जनरल को भी बर्खास्त किया जाए। उनका कहना था कि वो ऐसा अपने किए गए वादे को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, जिसमें उन्हें एक करप्शन फ्री यूक्रेन की स्थापना करनी है, मगर उनके कई प्रस्ताव को पार्लियामेंट में खारिज कर दिया गया। फिर इसके बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं, जिसमें उनकी पार्टी पहली पार्टी बनती है जो फुल मेजोरिटी के साथ चुनी गई थी और उन्हें 424 में 254 सीट्स मिले। जेलेंस्की एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंड फ्री यूक्रेन चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने नाटो एंड यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की, जिससे अब तक रशिया उन्हें रोकता आया था। मगर उनका कहना था कि नाटो ज्वाइन करना देश की आवाज है और वो इस देश की आवाज को और ऊंचा करने के लिए ही यहाँ आए हैं। नाटो ज्वाइन करने की उनके इस डिसीजन पे पुतिन भड़क गए और जेलेंस्की को सत्ता से हटाने में जुट गए, जिसके लिए उन्होंने 400 प्राइवेट किलर्स ऑफ वैगनर ग्रुप को असाइन किया है। अब आगे क्या होगा इस कहानी के अगले अध्याय में ही पता चलेगा। ये थी कहानी यूक्रेन रशिया युद्ध में चमके एक सितारे की। बाकी अगर आपको व्लादिमीर पुतिन की स्टोरी जाननी हो तो आपको वो वीडियो आपके स्क्रीन पे फ्लैश होती दिख रही होगी, जहां व्लादिमीर पुतिन की जर्नी के बारे में बताया गया है कि वो कैसे एक स्पाई से एक पॉलिटिकल लीडर बने और किस तरह उन्होंने चेचन लोगों की बलिदान चढ़ाई। ऐसे कॉन्टेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।